अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मोहम्मद सबला खान की तरफ से आज हम 8614 यानी कि एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स जो आपका अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का अभी इसका 24 अगस्त को इसके एमसीक्यूज का एग्ज़ाम होना है 2022 में, तो इसके लिए मैं आपको तैयारी कराने लगा हूँ। ये पार्ट नंबर बी है एमसीक्यूज का। इससे पहले पार्ट नंबर ए भी मैंने इसका जो है वो आपके पास यूट्यूब पे ही आपके पास शेयर होगा, तो आप इसकी तैयारी करें। आइए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सीवी? ए आर ए फिशर, बी जॉन टंकी, सी कैरल पर्सन, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका बेहतरीन जवाब होगा कैरल पर्सन, यानी कि सी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन नंबर 2, कॉन्फिडेंस इंटरवल इज अ मेजर ऑफ ए एक्यूरेसी, बी प्रिसीजन, सी एरर, डी ऑल ऑफ अबव। यानी इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है बी, यानी कि प्रिसीजन, यानी कि बी ऑप्शन। आगे हम चले क्वेश्चन नंबर 3 में। ये है, कॉन्फिडेंस इंटरवल शुड बी डैश ए शॉर्टर, बी वाइडर, सी लार्ज, डी स्मॉल। तो बेस्ट इसका ऑप्शन है ए, यानी कि शॉर्टर। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ये है, टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर डैश ए डिपेंडेंट, बी इंडिपेंडेंट, सी ओवरलैप, डी नन ऑफ डीज। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है ए, यानी कि डिपेंडेंट। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ये है, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन ए पी प्रपोर्शन ए और बी इज इक्वल टू 0, बी प्रपोर्शन ए एंड बी इज इक्वल टू 0, सी प्रपोर्शन ए एंड और बी इज इक्वल टू 0 और डी प्रपोर्शन ए इधर बी इज इक्वल टू 0। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा बी, यानी कि पी ए एंड बी इज इक्वल टू 0। अगर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ये इन स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग द स्टाटा शुड बी डैश ए नॉन ओवरलैपिंग, बी ओवरलैपिंग, सी सेम, डी नॉन नॉट इक्वल। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन होगी ए, यानी कि नॉन ओवरलैप्ड। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ये है, इफ पी इज इक्वल टू 0.6 एंड क्यू इज इक्वल टू 0.4, देन शेप ऑफ द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ए पॉजिटिवली स्क्यूड, बी नेगेटिवली स्क्यूड, सी सिस्टमेट्रिक एंड डी बेल शेप। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा बी, यानी कि नेगेटिवली स्क्यूड। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। ये इफ पी इज इक्वल टू क्यू देन द शेप ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ए पॉजिटिवली स्क्यूड, बी नेगेटिवली स्क्यूड, सी सिमेट्रिकल, डी नन नॉट शेप। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा सी, यानी कि सिमेट्रिक। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। ये है, शेप ऑफ पाइसॉन डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड अपॉन ए ऑन रैंडम वेरिएबल एक्स, बी इट्स पैरामीटर, सी मीन एंड डी वेरियंस। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा बी, यानी कि इट्स पैरामीटर। फिर है क्वेश्चन नंबर 10। ये सम ऑफ डॉट्स व्हेन टू डाइज आर रोल्ड इज डैश ए आ डिस्क्रीट वेरिएबल, बी आ कंटिन्यूस वेरिएबल, सी आ कॉन्स्टेंट, डी आ क्वालिटेटिव वेरिएबल। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है ए, यानी कि आ डिस्क्रीट वेरिएबल। आगे क्वेश्चन नंबर 11 में हम जाते हैं, विच ऑफ दीज रिप्रेजेंट क्वालिटेटिव डाटा डैश? ए हाइट ऑफ आ स्टूडेंट, बी लाइकिंग और डिसलाइकिंग ऑफ 500% ऑफ आ प्रोडक्ट, सी इनकम ऑफ ग्रुप गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन अ सिटी, डी यील्ड फ्रॉम आ वीट प्लॉट। सो इसकी बेस्ट ऑप्शन होगी बी, यानी कि लाइकिंग और डिसलाइकिंग ऑफ 50% ऑफ आ स्टूडेंट ऑफ अ प्रोडक्ट। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। ये है, द पर्सन है द फर्स्ट हैंड एंड अनऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ डाटा इज कार डैश ए सेकेंडरी डाटा, बी ऑर्गेनाइज डाटा, सी प्राइमरी डाटा या डी नन ऑफ डी। सो इसकी बेस्ट ऑप्शन होगी सी, यानी कि प्राइमरी डाटा। आगे क्वेश्चन नंबर 13। इसमें है, द ग्रुप्ड डाटा इज ऑल्सो कॉल्ड डैश ए रॉ डाटा, बी प्राइमरी डाटा, सी सेकेंडरी डाटा या डी क्वालिटेटिव डाटा। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन होगी सी, यानी कि सेकेंडरी डाटा। आगे है क्वेश्चन नंबर 14। ये है, लिस्ट ऑफ आर टी वी पिक्चर ट्यूब इज आर डैश ए डिस्क्रीट वेरिएबल, बी कंटिन्यूस वेरिएबल, सी क्वालिटेटिव वेरिएबल या डी
कॉन्स्टेंट, उसकी बेस्ट ऑप्शन होगी बी यानी कि कंटिन्यूस वेरिएबल। आगे है क्वेश्चन नंबर 15, ये है पॉपुलेशन कंसेंसस इज कंडक्ट थ्रू ए सैंपल सर्वे, बी अकाउंटिंग, सी इन्वेस्टिगेशन या डी कंप्लीट इनोमरेशन। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन होगी डी यानी कि कंप्लीट इनोमरेशन। आगे क्वेश्चन नंबर 16 में बात है आ चेंज वेरिएशन इन एन ऑब्जर्वेशनल प्रोसेस डैश ए डिस्पर्शन स्लैश वेरिएबिलिटी या बी मेजरमेंट एरर, सी रैंडम एरर या डी इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन होगी सी यानी कि रैंडम एरर। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, ये है कॉन्स्टेंट वेरिएबल कैन टेक वैल्यू डैश आ जीरो, बी फिक्स, सी नॉट फिक्स्ड एंड डी नथिंग। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन होगी बी यानी कि फिक्स्ड। आगे क्वेश्चन नंबर 18, ये इन इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स वी स्टडी डैश ए द मेथड्स टू मेक डिसीजंस अबाउट पॉपुलेशन बेस्ड ऑन सेम रिजल्ट्स, बी हाउ टू मेक डिसीजंस अबव मीन मीडियन और मॉड, सी हाउ अ सैंपल इज ऑब्टेन फ्रॉम अ पॉपुलेशन एंड डी नन ऑफ द अबव। तो इसके बेस्ट ऑप्शन है ए यानी के द मेथड्स टू मेक डिसीजन अबाउट पॉपुलेशन बेस्ड ऑन सैंपल रिजल्ट्स। आगे हम क्वेश्चन नंबर 19 पे चल रही है, इन डिस्पर्शन स्टेटिस्टिक्स वी स्टडी डैश ए द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, बी द मेथड्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग डिसिप्लिंग displaying and describing our data, see how to describe the probability distribution and d none of the above। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन होगी बी द मेथोडोलॉजी फॉर द मेथड्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग डिस्प्लेइंग एंड डिस्क्राइबिंग डाटा। आगे क्वेश्चन नंबर 20, ये व्हेन डाटा आर कलेक्टेड इन स्टेटिस्टिकल स्टडी फॉर ओनली अ पोर्शन और सबसेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट वी आर यूज ए सैंपल आ बी आ पैरामीटर सी आ पॉपुलेशन डी बोथ बी एंड सी। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन है ए यानी कि आ सैंपल। आगे है क्वेश्चन नंबर 21, ये है डाटा इन द पॉपुलेशन सेंसेस रिपोर्टेड इज डैश ए ग्रुप डाटा, बी अंडरग्राउंड डाटा, सी सेकेंडरी डाटा, डी प्राइमरी डाटा या ई अरे डाटा। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन होगी डी यानी कि प्राइमरी डाटा। आगे क्वेश्चन नंबर 22, ये है स्टैटिस्टिक्स इज अ न्यूमेरिकल क्वांटिटी विच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम ए पॉपुलेशन, बी सैंपल, डी सी डाटा एंड डी ऑब्जर्वेशन। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन होगी बी यानी कि सैंपल। आगे क्वेश्चन नंबर 23, ये विच ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स डील्स विद द टेक्निक्स that are used to organize, summarize and present the data a advanced statistics, b probability statistics, c inferential statistics and d descriptive statistics, e Bayesian statistics। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन होगी d यानी कि descriptive statistics। आगे क्वेश्चन नंबर 24, ये है इन स्टेटिस्टिक्स कंडक्टिंग अ सर्वे मीन्स डैश a collection collecting information from elements, b making mathematical calculation, c drawing graphs and pictures and d none of the above। तो इसके बाद ऑप्शन होगी a यानी collecting information from elements। आगे जी, आगे क्वेश्चन नंबर 25, ये विच वन इज द नॉट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो इसके बेस्ट ए, तो इसकी पहली ऑप्शन बस ए द रेंज, बी 58 परसेंटाइल, सी इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड डी के वेरिएंस। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन होगी बी यानी कि 58 परसेंटाइल। फिर है जी क्वेश्चन नंबर 26, ये विच ऑफ द ऑफ डीज इज रिलेटेड मेजर ऑफ डिस्पर्शन डैश ए स्टैंडर्ड डेविएशन, बी वेरिएंस, सी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस या डी नन ऑफ डीज। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन होगी सी यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। आगे क्वेश्चन नंबर 27, ये है द मीन डेविएशन ऑफ द वैल्यू 18 12 15 इज डैश ए 6 बी 0 सी 3 एंड डी 2। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन होगी डी यानी के 2। आगे क्वेश्चन नंबर 28, ये इन स्टेटिस्टिक्स आ सैंपल मीन ए आ पोर्शन ऑफ द सैंपल, आ पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन, सी ऑल ऑफ द आइटम्स अंडर इन्वेस्टिगेशन, डी नन ऑफ द अबव। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन होगी बी यानी कि अ पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन। आगे जी माइनस क्वेश्चन नंबर 29, ये है द हाइएस्ट ऑफ द ऑफ अ स्टूडेंट इज 60 इंचेस, दिस इज अ सैंपल ऑफ डैश,
ए क्वालिटेटिव डेटा, सी बी कैटेगरिकल डेटा, सी कंटिन्यूस डेटा एंड डी डिस्क्रीट डेटा। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन होगी सी, यानी कि कंटिन्यूस डेटा। आगे क्वेश्चन नंबर थ्री, ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाइज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन होगी ई, ई जो कि मॉडल, लेकिन हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए क्या है अरिथमेटिकल मीन, बी क्या है जियोमेट्रिकल मीन, सी क्या है हार्मोनिक मीन मीन, और डी क्या है इवेटेड मीन। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पे, ये है क्वेश्चन नंबर 31। ये है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेयर्स डज नॉट डिवाइडेड अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इन टू अ इक्वल पार्ट्स। ए कर्टाइल्स, डी स्टैंडर्ड डेविएशन, सी परसेंटाइल्स, डी डिसलीज, ई मीडियन। तो बेस्ट ऑप्शन होगी बी, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 32। ये है द एलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज डैश। ए मैक्सिमम, ए मैक्सिमम, बी जीरो, सी मिनिमम एंड डी अनडिफाइंड। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन होगी बी, यानी कि जीरो। आगे जी क्वेश्चन नंबर 33। ये है अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज ऑलवेज डैश। तो इस ऑप्शन हमारे पास है ए जीरो, बी पॉजिटिव, सी नेगेटिव एंड डी इनफाइनाइट। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन होगी बी, यानी कि पॉजिटिव। आगे क्वेश्चन नंबर 34। ये है द मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज चेंज बाय चेंज और डैश। ए ऑर्गेनाइज, बी स्केल, सी एल्गोरिथम एलजेब्रिक साइंस एंड डी नन। तो बेस्ट ऑप्शन होगी बी, यानी कि स्केल। आगे क्वेश्चन नंबर 35। ये है मीन डेविएशन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द वैल्यू 4444444 इज डैश। ए 4, बी 8, सी 2, डी 12 या ई 0। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगी ई, यानी कि 0। फिर है क्वेश्चन नंबर 36। ये है द सम ऑफ द स्क्वायर्ड डेविएशन ऑफ आ सेट ऑफ एन वैल्यू फ्रॉम देयर मीन इज डैश। ए 0, बी मैक्सिमम, सी लीस्ट एंड लिस्ट लीस्ट एंड डी नन। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन होगी सी, यानी कि लीस्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 37। ये है लोएस्ट वैल्यू ऑफ वेरियंस कैन बी डैश। ए 1, बी -1, सी 3 एंड डी -3 एंड ई इज इक्वल टू 0। तो बेस्ट ऑप्शन होगी ई, यानी कि 0। फिर है क्वेश्चन नंबर 38। ये है वेरियंस रिमेन्स अनचेंज बाय चेंज ऑफ डैश। ए और ओरिजिन, बी स्केल, सी अदर नन और एंड डी नन ऑफ डीज। तो बेस्ट ऑप्शन होगी ए, यानी कि ओरिजिन। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 39। ये है स्टैंडर्ड डेविएशन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द हार्मोनिक मीन एच एम डैश। ऑलवेज बी समटाइम्स, सी नेवर एंड डी नन ऑफ डी। सो बेस्ट ऑप्शन होगी सी, यानी कि नेवर। फिर है जी क्वेश्चन नंबर 40। ये इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट देन एस डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू इज, वो क्या होगा? ए एस डी एक्स माइनस एस डी वाई, या बी स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, या सी स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, या होगा डी वेरिएंस एक्स प्लस वेरिएंस वाई। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन होगी बी, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। ये इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द वैल्यू 2468 इज 2.58 देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द वैल्यू 46810 इज डैश। तो ऑप्शन हमारे पास है ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल 2.58 एंड सी इज इक्वल टू 5 एंड डी इज 4.66। तो ई की ऑप्शन 2.33। तो बेस्ट ऑप्शन होगी बी, यानी कि 2.58। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। ये आते हैं इफ ऑल वैल्यूज आर सेम देन द मेजर ऑफ डिस्पर्शन विल बी डैश। ए 1, बी 0, सी मीन, डी मॉड एंड ई मीडियन। तो बेस्ट ऑप्शन होगी बी, यानी कि 0। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। ये है डैश इज यूज टू कंपेयर द वेरियंस और डिस्पर्शन इन टू और मोर सेट ऑफ डेटा इवन दो दे आर मेजर्ड इन डिफरेंट यूनिट्स। तो ऑप्शन हमारे पास है ए रेंज, बी स्टैंडर्ड डेविएशन, सी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस एंड डी मीन डेविएशन। तो बेस्ट ऑप्शन होगी सी, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। आगे क्वेश्चन नंबर 44। ये है क्वेश्चन नंबर 44। कहता है सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन इज डैश। ए स्टैंडर्ड डेविएशन, बी वेरिएंस, सी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस एंड डी नन ऑफ डीज। तो बेस्ट ऑप्शन होगी बी, यानी कि वेरिएंस। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। ये है द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज ऑलवेज 0 फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। ऑप्शन हमारे पास है ए सिमेट्रिक, बी स्क्यूड, सी ऑल ऑफ अबव एंड डी नन ऑफ डीज। तो बेस्ट ऑप्शन होगी हमारे पास ए, यानी कि सिमेट्रिक। आगे हम चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में। ये इन यूनिमोडल डिस्ट्रीब्यूशन इफ मॉड इज लेस देन मीन डैश। ए सिमेट्रिक, बी नॉर्मल,
सी पॉजिटिवली स्क्यूड एंड डी नेगेटिवली स्क्यूड, तो बेस्ट ऑप्शन होगी सी यानी कि पॉजिटिवली स्क्यूड। अगर हम चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ, ये है फॉर मैक्रो मैस्कोरेटिक कर्व ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, बीटा टू इज डैश ए 0, बी 3, सी 3 या नन ऑफ डीज, तो बेस्ट ऑप्शन होगी बी यानी कि 3। आगे होगा क्वेश्चन नंबर 48, ये हमारे पास है डैश इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा, तो बेस्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पर ऑप्शन है सी वो के मीन है, और बस और ऑप्शन है वो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, जो ए है मीडियन, बी है मॉड एंड डी है नन ऑफ डीज। अगर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ, एमसीक्यू की तरफ, ये आते हैं इफ राइट टेल इज लॉन्गर देन लेफ्ट टेल देन डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड डैश, ए नेगेटिवली स्क्यूड, बी पॉजिटिवली स्क्यूड, सी ऑल ऑफ अबव एंड डी नन ऑफ डीज, तो बेस्ट ऑप्शन होगी बी यानी कि पॉजिटिवली स्क्यूड। फिर क्वेश्चन नंबर 50, ये द फिक्स्ड मोमेंट अबाउट मीन इज ऑलवेज डैश ए 0, बी 1, सी नेगेटिव या डी नन ऑफ डीज, तो बेस्ट ऑप्शन होगा ए यानी कि 0। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपका ये 8614 जो है क्वेश्चन तैयार हो गया होगा, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और गुड लक टू योर अगस्त 2022 का एग्जाम जो 24 अक्टूबर को होना है, तो आप उसके लिए खूब तैयारी करें और खूब मेरी वीडियोस को देखें, और मोहम्मद सफला खान मेरा यूट्यूब चैनल इसे सब्सक्राइब करें, इसमें आपको इस तरह के और भी वीडियोस मिल सकते हैं। तो अल्लाह हाफिज़।